जिस हिसाब से आप लोगों ने अपने भाई का स्वागत फूल मालाओं से और आशीर्वाद दोनों हाथों से पुरस्कार के दिया है, तो मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और जो विश्वास आप लोगों ने अपने छोटे भाई पर, अपने बेटे पर जताया है, मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ, उस विश्वास को टूटने नहीं दूंगा। उस विश्वास को और मजबूती के साथ बढ़ाने का काम करूँगा। कोई भी बात है, बिल्कुल सीधे आगे बात करने की जरूरत है। समस्याओं का सबको पता है, पिछले 20 साल से आप लोगों के बीच में है और 10 साल से तो पूरी अच्छी तरह बीच में आप लोगों के आने जाने की बात हो रही है। दुख सुख हो, सारी बातों में सारी समस्याओं का पता है। तो आप, मैं आपसे निवेदन है कि आने वाली 5 तारीख को आप एक एक वोट हाथ के निशान का बटन दबा कर आप अपने बेटे को कामयाब बनाएं। और फिर उसके बाद आप देखोगे भाई दीपेंद्र हुड्डा जी को हम मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। जब वो भाई मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठेगा और आपका भाई एमएलए बनने के बाद, आप देखोगे गांव के सारे जितनी भी समस्याएं हैं उन सारी समस्याओं का एक एक करके समाधान करते हैं। चाहे वो पीने के पानी की समस्या हो, चाहे और गंदे पानी की निकासी की समस्या हो, चाहे बच्चों के रोजगार की समस्या हो और विकास के काम की समस्या हो, उन सारी समस्याओं का एक एक करके हम दोनों भाई भाई दीपेंद्र हुड्डा और आपका बेटा आपका भाई बलराम एक एक करके उन समस्याओं का दूर करने का काम करें। तो मेरे आपसे यही निवेदन है, 5 तारीख को सारे एक ही वोट हाथ के निशान का बटन दबाकर आप कामयाब बनाएं। और फिर उसके बाद सभी का बहुत बढ़िया तरीके परमात्मा के भूपेंद्र हुड्डा जी ने घोषणा कर रखी है 100-100 गज के प्लाट देंगे और उनके ऊपर 200 कमरे का मकान बना कर देंगे। और छोड़ते ही 6,000 रुपए बुढ़ापा पेंशन मिलेगी। 1 नवंबर तक कांग्रेस का राज बना दो, हाथ के निशान पर मोर खा दो, जिनकी पेंशन बन रही है 1 नवंबर तक 6,000 रुपए बुढ़ापा पेंशन। और किसी का बिजली का बिल नहीं आओगा, यह मेरी गारंटी है। बच्चों को उनके क्वालिफिकेशन के हिसाब से रोजगार मिलेगा। तो मैं आपसे ये निवेदन करता हूँ, 5 तारीख में सारे हाथ का निशान का मोड़ लगा दियो और फिर सारा भगवान परमात्मा सबका भला करेगा। बहुत बहुत